मेरा जिला मेरी रियासत। चलिए इस सबक को हमने विश्व स्कूल पर बनाते वक्त कौमी पॉलिसी 2020 से कौन कौन से अज्जा का इस्तेमाल किया है इसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि इस जो सबक है इसमें क्या दिया हुआ है या इस सबक का जो मवाद है वो क्या है। इस सबक में तलबा को बताया गया है कि किस तरीके से एक जो रियासत होती है वो किस तरह से तैयार होती है, यानी कि एक छोटा देहात, देहात से गाँव, गाँव से ताल्लुके, ताल्लुकों से जिला और जिला से जो है हमारी रियासत जो है तैयार हुई है, इस तरीके से बच्चों को इसमें बताया गया है। इसी के साथ साथ में हमारी रियासत की बहुत सारी जो खसूसियात है, जैसे कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग बारिश के बारे में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलों के बारे में, इसी के साथ साथ जो हमारी रियासत है इसमें जो हमारे इंतज़ामी हल्के हैं अलग अलग, इसके बारे में बच्चों को मालूम दी गई है। और इस सबक के आखिर में बच्चों को बताया गया है कि जैसे हमारी रियासत है इसमें बहुत सारी अलग अलग ज़बानें बोली जाती है, अलग अलग मज़हब के अलग अलग दीन के जो है लोग रहते हैं, हमें इन सब के साथ मिलकर रहना होगा। हमारी रियासत में जो डाइवर्सिटी है यानी कि अलग अलग लोग हैं, हमें इसे कबूल करके एक साथ में रहना होगा, ये चीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस लेसन के लिए हमने जो आमोजिशी महासिल नक्शा खानी में महारत हासिल करेंगे, बच्चों को ये पता चलेगा कि रियासत किस तरह बनती है। इसी के साथ में बच्चे जो है अलग अलग जबान बोलने वाले लोगों से मोहब्बत करेंगे और हमारे रियासत की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ये जो है हमारे आमोजिशी महासिल है। इसी के साथ में हमने इस लेसन को बनाते वक्त जो शोबों का इंतखाब किया है, सबसे पहला जो है वो तालीमी तरक्की है और जो दूसरा शोबा है वो है समाजी और जज्बाती तरक्की है। इन सारे आमोजिशी महासिलों और इन शोबों की जो तरक्की करने के लिए हमने इस सबक को बनाते वक्त बहुत सारी और मुख्तलिफ तरीके की जो है सरगर्मियाँ इसमें दी है, ताकि बच्चों को जो समझने की जो प्रोसेस होती है या फिर जो मरहला होता है वो आसान हो और उनको जो है चीज़ें जल्दी समझ में आए और ये ज़्यादा देर तक इनके जहन में रहे।